चैप्टर 10 क्लास 11 का स्ट्रेट लाइंस देख रहे हैं। हमने टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये पहले क्लासेस में देखी है और हमने देखा कि ये कॉम्बिनेशन है एक तरीके से अलजेब्रा और ज्योमेट्री का। अगर हम सिस्टमेटिक स्टडी की बात करें ज्योमेट्री की और उसमें अलजेब्रा लगाए तो इसकी जो स्टडी शुरू हुई थी वो रेने डेकार्टे इन साहब ने शुरू की थी। इनकी बुक थी ला ज्योमेट्री जो पब्लिश हुई थी 1637 में। इसमें काफी सारी चीजें इन्होंने इंक्लूड की जैसे इक्वेशन कर्व की और जो एनालिटिकल मेथड है जो ज्योमेट्री को पढ़ने में काम आएंगे और इसीलिए हम इसको एनालिटिकल ज्योमेट्री बोल रहे हैं। हमने शुरुआत की थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की और इसमें हमने कोऑर्डिनेट एक्सेस के बारे में बात की, कोऑर्डिनेट प्लेन किस तरीके से पॉइंट हम प्लॉट करते हैं प्लेन में, दो पॉइंट्स के बीच में हमारा डिस्टेंस कैसे नापते हैं, सेक्शन फार्मूला ये भी हमने देखा था और ये बेसिक्स हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। हम उसको जरा ब्रीफ कर लें जो हम पहले क्लासेस में देख चुके हैं और बेसिकली रिकैपिचुलेट कर रहे हैं हम लोग इसको। तो अगर आप देखें ये हमारी ये एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो इसमें देखिएगा कि ये जो 6 और -4 है पॉइंट, क्योंकि x इसमें 6 है, y आपका -4 है, y नेगेटिव में है इसीलिए 6 -4 और ये आपका पॉइंट है 30। तो ये आपका 30 क्योंकि है ही x एक्सिस में तो 3 है और x एक्सिस में है तो y एक्सिस x एक्सिस में 0 होती है और अगर आप देखें y एक्सिस में x 0 होता है। तो इस तरीके से पॉइंट आए हैं। अगर आप इसके बीच में डिस्टेंस निकालना चाहें इन दोनों के बीच में तो x2 यानी कि मान लीजिए ये x1 है y1 है और इसको हम दे रहे हैं x2 y2 तो x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट कर दीजिए, स्क्वायर रूट कर दीजिए तो आपको दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस मिल जाएगा। इसे डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं, ये आगे बहुत उपयोग होने वाला है। और यदि अगर आप एक लाइन लें और इस लाइन में कहें कि यहां पर कोई एक पॉइंट है जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है और ये आपका इसमें ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, आप कह रहे हैं कि ये जो डिवीजन है वो m:n में है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए ये आपका लाइन है और आप कह रहे हैं ये पॉइंट या ये पॉइंट 3:2 में डिवाइड करता है या 5:8 में, ऐसे करके कोई एक रेशियो हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के हमारे पास कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं अगर हमें ये पता चल जाए कि किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, जैसे mx2+nx1/m+n, my2+ny1/m+n, इसे हम निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट है 1-3, दूसरा पॉइंट है -3, 9 और इनका रेशियो 1:3 का है, अगर ये डिवीजन का रेशियो 1:3 का है तो यहाँ पर m की जगह आप इस फॉर्मूले में m की जगह 1 रख दीजिए, n की जगह आप 3 रख दीजिए, बाकी x1 ये हो गया, x2 ये हो गया, y1 ये हो गया, y2 ये हो गया। यहाँ रखिए, आप देखिए कि आपको ये ओरिजिन मिलेगा x y 0। तो अगर m और n इक्वल है तो इसका मतलब यह है कि बिल्कुल ये मिड पॉइंट पे कर रहा है ब्रेक, यानी कि 1:1 है। तो 1:1 रखेंगे सीधा तो ये x1+x2/2 आएगा और ये y1+y2/2 आएगा। यदि आपके पास तीन पॉइंट है और ये एक ट्रायंगल बना रहे हैं और ये तीनों पॉइंट आपके पास अवेलेबल है तो ये जो तीन पॉइंट है इनको लेकर भी हम इस ट्रायंगल का पूरा एरिया निकाल सकते हैं। उसके लिए हमारे पास है हाफ, ये मॉड जो है इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू आएगी हम उसको पॉजिटिव में लेंगे। उसका कारण ये है कि ट्रायंगल का एरिया किसी भी चीज का एरिया नेगेटिव में कैसे आएगा, इसीलिए यह आपका मॉड्यूलस है। तो इसमें x1 के साथ y2 -y3 है, x2 के साथ y3 -y1 है, इसी तरीके से x3 के साथ y1 -y2 है। यानी कि अगर आपके पास ये तीन पॉइंट्स है तो यहां पर ये रख दीजिए, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, यहां रखिए, हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि उत्तर -54 आ रहा है तो -54 को आपको 54 करना है, तो 2 अगर इससे डिवाइड करेंगे 54 को तो 27 आएगा, ये इसका उत्तर है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि एरिया किसी भी ट्रायंगल का 0 होगा यदि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है, तो ये कोलिनियर हो गए एक तरीके से, एक लाइन में है तो इसका एरिया 0 हो जाएगा। तो हम अपनी जो स्ट्रेट लाइन वाली स्टडी है उसको इसमें इस चैप्टर में आगे बढ़ाएंगे और काफी और चीजें देखेंगे जिसमें खासतौर पर हम स्लोप के बारे में देखेंगे। स्लोप, ग्रेडियंट, एस्पेक्ट, ये शब्द बहुत आप आगे सुनने वाले हैं अपनी आगे के क्लासेस में, अपने आगे की जिंदगी में, तो स्लोप को बहुत ध्यान से समझिएगा। तो स्लोप क्या है, ये किसी भी कोऑर्डिनेट प्लेन में
दो एंगल एक्स एक्सिस के साथ जो आपके सप्लीमेंट्री है, मैं इसको समझाता हूं, इसको समझ लीजिए। क्या है कि आपने क्या किया कि एक लाइन यहां पर खींची, अब कोई भी आप लाइन खींच लीजिए, मैंने अगर ये रेफरेंस एक्सिस ले लिया, ये लाइन खींचो, ये लाइन या कोई भी लाइन लीजिए, तो ये एक एंगल एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ ये थीटा बना रहा है, और इसी तरीके से ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा, क्योंकि एक लाइन पे एंगल ये पूरा का पूरा 180 डिग्री होता है, यहां से यहां तक 180 डिग्री होता है, तो ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा है, तो ये जो थीटा आप देख रहे हैं इसे ही हम इंक्लिनेशन कहेंगे, इस लाइन का, इस एन लाइन का इंक्लिनेशन है, और ये जो एंगल है ये कहां से कहां तक जा सकता है, ये लाइन जो है ये थीटा से लेकर 180 तक जा सकती है ना, इसी को हम कह रहे हैं कि आपका ये स्लोप है। तो थीटा ये इंक्लिनेशन है किसी भी लाइन एल का, अगर ये इंक्लिनेशन है तो इसका टेन थीटा अगर आप निकालेंगे तो टेन थीटा को हम स्लोप या ग्रेडियंट कहेंगे। स्लोप क्या है, इस थीटा का टेन, ओके, टेंजेंट बेसिकली, इस थीटा का टेंजेंट आपका स्लोप या ग्रेडियंट कहलाता है। और अगर मान लीजिए आप टेन 90 डिग्री निकालना चाहते हैं, आप ये जानते हैं कि टेन 90 डिग्री जो होता है अनडिफाइंड होता है, तो इसीलिए ये अनडिफाइंड हो जाएगा अगर आप टेन 90 निकालना चाहें, राइट। एम इक्वल टू टेन थीटा, एम इसमें स्लोप, और जहां भी एम लिखेंगे आप इस चैप्टर में, वहां पर एम का मतलब आप मानिएगा कि ये स्लोप है या ग्रेडियंट है। टेन थीटा के बराबरी है, जो भी एंगल ये लाइन आपके एक्सिस से बना रही है उसे हम थीटा कहेंगे, थीटा इसमें 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए ये जो एक्स एक्सिस है इसका, अगर मैं एक लाइन यही बनाऊं, इसका एक्स एक्सिस से एंगल जीरो है, तो फिर टेन जीरो क्या होता है, जीरो ही होता है, तो स्लोप इसकी जीरो हो जाएगी, और वाई एक्सिस के साथ अभी मैंने बताया जैसे 90 डिग्री हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। अब हमको स्लोप निकालनी है जब कोई कोऑर्डिनेट दो पॉइंट के आपके लाइन में हो, यानी कि यू हैव टू फाइंड अ स्लोप ऑफ अ लाइन हुज कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट, एनी टू पॉइंट ऑन द लाइन आर गिवन, यानी कोई भी आपके पास इस तरीके से एक लाइन है, इसके दो कोऑर्डिनेट आपको दे दिए गए, ये x1 y1 या x2 y2, यहां पर देखिए ये पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट है x2 y2। अब आप स्लोप कैसे निकालेंगे, तो स्लोप निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखिए ये P, ये x1 y1 है, ये q x2 y2 है, ये दो पॉइंट्स हैं किसी भी एक नॉन वर्टिकल लाइन, यानी कि ये इस तरीके से होगी तो अनडिफाइंड हो जाएगा, नॉन वर्टिकल लाइन है, इसमें ध्यान रखिएगा कि x1 x2 के बराबर नहीं है तभी हम निकाल पाएंगे इसको, राइट। ये L हमारी लाइन है। अब आप क्या करेंगे, एक इस Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए R तक x एक्सिस पर, और ये जो PM है आपका, ये वाला दिस PM, क्योंकि ये P पॉइंट तो है, इस लाइन पे ये PM परपेंडिकुलर डालिए। आप कर भी ये सकते हैं कि इसको x एक्सिस, इसको y एक्सिस के पैरेलल बना दीजिए, इसको x एक्सिस के पैरेलल बना दीजिए, दोनों ही तरीके, दोनों तरीके समझ सकते हैं। अब एक एक करके एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए थीटा एंगल जो आप देख पा रहे हैं ये आपका एक्यूट है, ये जो केस आप देख रहे हैं ये एक्यूट एंगल है, ये थीटा एक्यूट है, एक्यूट का मतलब ये होता है कि 180 से आपका कम है, यानी कि 180 90 डिग्री से कम है एक्यूट, और 90 डिग्री से ऊपर जो होता है वो ऑब्ट्यूज होता है, तो एक्यूट मतलब 90 से कम। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक पहला केस लेते हैं जो हमारा एम पी क्यू, ये एंगल आप देख पा रहे हैं ये वाला हमारा एम पी क्यू, ये थीटा है, दिस एंगल इज थीटा। इस एंगल में आप देखें कि जो एम पी क्यू थीटा है, और हम बोल रहे हैं टेन थीटा, टेन थीटा क्या है, अब टेन थीटा समझिएगा बहुत ध्यान से, टेन थीटा होता है, आपको याद होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, इस तरीके से सीखते हैं, और भी कोई तरीका होगा आपका, तो ये साइन के लिए होता है, कॉस के लिए होता है, टेन के लिए होता है। तो अगर हम साइन कॉस टेन के में देखें तो एम क्यू बाय एम पी, यानी कि ये एम क्यू बाय एम पी, ओके। अब इसमें देखिए टेन थीटा हो गया आपका इस वाले केस में, ठीक, हर हर बोल हो गया हमारा, ये पी है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, तो परपेंडिकुलर बाय बेस हो गया, यानी ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो इसी को हमने यहां लिख दिया एम क्यू बाय एम पी, यानी कि एम क्यू क्या है, अब हमारे पास एम क्यू तो हमें पता है, एम क्यू इज नथिंग बट, अगर आप देखें एम क्यू क्या है, ये है यहां तक वाई वन है, यहां तक वाई टू है, तो ये कितना हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन, ये डिस्टेंस, इसी तरीके से ये डिस्टेंस हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन, बस यहां पर हमने रख दिया वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन, यानी कि एम क्या हो गया वाई टू माइनस वाई वन बाय एक्स टू माइनस एक्स वन। अब 90 डिग्री से ऊपर आइए, यानी कि आप बोलिए थीटा आप ऑब्ट्यूज हो, अगर हमारा थीटा ऑब्ट्यूज है तो आप थीटा तो रहा नहीं है, अब ये वाला हो जाएगा 180 माइनस थीटा जो हमने देखा था, तो ये 180 माइनस थीटा, तो अब एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा, यानी कि 180 माइनस ये वाला एंगल एम
एंगल वही चल रहा है, एंगल ये पी ही है एन पी क्यू, बस इस बार वो 90 से ऊपर हो गया। और अब हम स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप में यही करना है। अब टेन 180 माइनस थीटा होता है माइनस टेन थीटा, बस इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि टेन थीटा तो वही रहेगा और उसका तरीका भी एन क्यू बाय एन पी ही रहेगा, वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू, और बस यहाँ पर आप कर लीजिए माइनस साइन जो है इसको अंदर ले लीजिए, वाई टू माइनस वाई वन बाय एक्स टू माइनस एक्स, नेगेटिव साइन जो है हमारा हमने चेंज किया है। बेसिकली क्या किया कि हमारा ये पहले भी जो एंगल था जब एक्यूट था तो भी यही आया, ऑब्टूज में क्या हुआ ये माइनस क्यू क्यू मिल गया, यहाँ पर जाके इसने इसको वाई वन माइनस वाई टू कर दिया। तो चाहे वो आपका एक्यूट हो ऑब्टूज हो, आपको एम जो स्लोप या ग्रेडियंट हम कह रहे हैं वो वाई टू माइनस वाई वन बाय एक्स टू माइनस एक्स वन ही मिलेगा। अगले में है 10.2.2 में कहा गया है कि दो लाइनें पैरेललिज्म पैरेलल कैसे होंगी, इसमें पैरेललिज्म देखेंगे, और पैरेलल नहीं है तो परपेंडिकुलर है तो क्या है। देखिए दो लाइन कुछ इस तरीके से हो सकती है, या परपेंडिकुलर हो सकती है या पैरेलल हो सकती है, या तो कभी मीट नहीं करेंगे या 90 डिग्री पे मीट कर रही है या किसी एक एंगल पे जो इन दोनों के अलावा है। तो इसकी कंडीशन कैसे हम नापेंगे, मान लीजिए ये L1 आपके पास और L2 ये आपके पास दो नॉन वर्टिकल लाइन है, इसकी स्लोप है इसकी M1 और इसकी स्लोप है M2। यदि L1 और L2 दोनों पैरेलल हैं, यदि पैरेलल है तो अल्फा और बीटा को बराबर होना पड़ेगा, यानी कि टेन अल्फा और टेन बीटा बराबर है, इसका मतलब स्लोप दोनों के बराबर है। तो स्लोप अगर बराबर है M1 M2 के बराबर है और टेन अल्फा टेन बीटा के बराबर है तो इसे हम कहेंगे कि ये दोनों पैरेलल है। और ये प्रॉपर्टी आपकी थीटा और 180 के लिए अगर आप टेन की प्रॉपर्टी देखें, इसलिए ये अल्फा और बीटा बराबर लाइन पैरेलल। अगर दो लाइन पैरेलल है तब जब उनके स्लोप्स पैरेलल है, ये तो ठीक हो गया। अब आते हैं परपेंडिकुलर पे। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब बाहर का एंगल ये 90 डिग्री है तो चलिए इसको सम करा देते हैं, इसको ये वाला एंगल हो जाएगा दिस एंगल और इस एंगल में हम थोड़ा सा मैनेजमेंट करते हैं। तो देखिए ये मान लीजिए बीटा एंगल है आपका इस लाइन का, ये एंगल अल्फा बना रही है, तो ये आपका बीटा क्या होगा अल्फा प्लस ये एंगल है ना, जो बाहर का एंगल होता है एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है सम के। तो ये अल्फा हो गया, ये एंगल मान लीजिए कुछ भी है अभी नहीं लिख रहे इसमें, अभी बीटा हो गया इस एंगल और इस एंगल के बराबर, लेकिन हम ये देख रहे हैं ये तो 90 डिग्री है तो ये वर्टिकली अपोजिट से ये भी 90 होगा, तो ये अल्फा प्लस 90, अब ये 90 हो गया अल्फा प्लस 90, तो बीटा हो जाएगा अल्फा प्लस 90, बीटा हो जाएगा अल्फा प्लस 90। और 10 अगर आप ये इसको 10 कहना चाहें क्योंकि ये 10 एंगल है, तो दोनों साइड 10 लगा दीजिए, 10 बीटा इज इक्वल टू 10 अल्फा प्लस 90, अल्फा प्लस 90 में 10 लगाएंगे तो माइनस कॉट अल्फा आएगा, और कॉट अल्फा को 1 बाय करिए तो माइनस 1 बाय 10 अल्फा, तो 10 बीटा हो जाएगा माइनस 1 बाय 10 अल्फा। ये आपका क्या था और ये क्या था, 10 अल्फा तो M1 है इसका स्लोप M1, 10 बीटा क्या है ये M2 इसका स्लोप M2 है, इसको M2 लिख दीजिए, इसका M1 लिख दीजिए, तो कितना आ गया M2 इज इक्वल टू माइनस 1 बाय M1, यानी कि इसको इधर ले जाइए M1 M2 इक्वल टू माइनस 1। ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका एक्सप्रेशन है वो बहुत यूज होने वाला है, 10 अल्फा 10 बीटा आपका माइनस 1 के बराबर है। अब देखिएगा कि 10 अल्फा माइनस कॉट बीटा के बराबर होता है, माइनस कॉट बीटा अगर इसको हम माइनस अंदर ले लें तो इसको 10 कर दीजिए बीटा प्लस 90, 10 बीटा प्लस 90 को माइनस कॉट बीटा, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 10 बीटा प्लस 90 को 10 बीटा माइनस 90, क्योंकि अल्फा और बीटा यहाँ पर किससे डिफर कर रहे हैं 90 डिग्री, राइट। तो L1 L2 आपके परपेंडिकुलर हो गए। तो अगर आप कहें कि दो लाइनें परपेंडिकुलर है तो आपको एक स्लोप और दूसरा स्लोप लीजिए, दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर दोनों माइनस 1 आ जाते हैं तो आप कहेंगे हाँ ये हमारे दोनों के दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। तो अब एग्जांपल देख लेते हैं, आपको स्लोप निकालना है इन लाइन का जो इस और इस पॉइंट से पास होते हैं। अब मैं एक बताता हूँ बाकी आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कैसे हो रहा है। आपके पास क्या है ये वाला, ये इसको मान लीजिए X1 Y1, ये है X2 ये Y2, आपको लेना है जो स्लोप है Y2 माइनस Y1 X2 माइनस X1, Y2 की जगह 4 रख दिया, Y1 की जगह -2, तो माइनस है बाहर साइन, ऐसे यहाँ पर -1 है ये X2 और यहाँ पर इस जगह पे आपने 3 साइन ले लिया -3, तो 6 बाय -4 -3/2, यानी कि आपके पास ये जो आया इसका सीधा आपने बताया कि 3/2 आ गया। सबका ऐसे ही करना है, एम यहाँ पर Y2 माइनस Y1 बाय X2 माइनस X1। अब यहाँ पर आएंगे आप इस वाले में थोड़ा सा सी वाला जो केस है, इसमें Y2 माइनस Y1 बाय X2 माइनस X1 करेंगे तो ये 3 माइनस 3 आपका 0 आ गया। तो किसी भी चीज को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइंड आएगी, तो यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज नॉट अनडिफाइंड।
अब अगले में है मेकिंग इंक्लिनेशन इंक्लिनेशन 60 डिग्री, तो इंक्लाइनेशन जो इसका है 60 डिग्री है, पॉजिटिव डायरेक्शन एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन एक्सिस एंगल है 60 डिग्री, तो आपके पास थीटा मिल गया, तो अभी आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, सीधा एम इक्वल टू टेन थीटा कर दीजिए, यानी टेन 60 डिग्री कितना आएगा रूट थ्री, ये सीधा आ जाएगा। अब दो लाइनों के बीच में आपको एंगल निकालने हैं, दो लाइनों के बीच में आपको एंगल निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे, अगर ये भी समझ लीजिए कि ये लाइनें एक आगे आप जाके जब आगे पढ़ेंगे तो आपकी ये लाइनें अलग अलग उसमें भी हो सकती है प्लेन में, तो ये लाइन कहाँ है, कैसे है, एक प्लेन में है नहीं है, ये सब हमको देखना पड़ेगा इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास ये L1 है और L2 है, ये हमारे पास दो नॉन वर्टिकल लाइन है, L1 का हमारे पास स्लोप है M1, L2 का हमने माना M2। यदि अल्फा 1 और अल्फा 2 ये इंक्लिनेशन है इस लाइन के, यानी कि ये इस लाइन के इंक्लिनेशन है ना, तो हम क्या करेंगे, m1 आपका tan alpha 1 हो जाएगा, जो अभी अभी हमने किया, क्या किया था, tan 60 डिग्री निकाला था ना, यही तो किया है, x एक्सिस के साथ जो इसका एंगल था वही हमने किया है, तो हमने क्या किया कि m1 को बोला tan alpha 1 है, m2 हमारा tan alpha 2 है। अब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब जब इंटरसेक्ट करेंगे तो ये इनके वर्टिकली अपोजिट एंगल भी पेयर बनाएगी, यानी कोई भी दो एडजस्टेड एंगल अगर आप ले तो उसका सम 180 डिग्री होगा, तो मान लीजिए थीटा और फाइव ये एडजस्टेड एंगल है L1 और L2 के बीच में, इसको इस तरीके से समझिएगा, ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, और ये अल्फा 2 बना रही है L2 और L1 बना रही है अल्फा 1। अब हम देख रहे हैं कि हमने इस एंगल को बोला चलिए थीटा, इस बोला इसको फाइव, हम कह रहे हैं कि ये वन, ये तो कुल मिला के 180 डिग्री होगा ना, तो थीटा प्लस फाइव हम बोल रहे हैं 180 डिग्री, हम कह रहे हैं थीटा और फाइव 180 डिग्री। इसके अलावा हम ये भी कह रहे हैं कि जो थीटा है वो अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 है, वो कैसे हो गया, ये थीटा अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 कैसे हो गया, तो इस तरीके से हुआ कि आपका ये एंगल एक्सटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू समेशन ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो इससे हम कह सकते हैं कि यहां पर हमारे पास जो थीटा है वो अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 है, थीटा ये हो गया, टेन थीटा निकालिए जरा और इसका भी टेन कर दीजिए, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, टेन ए माइनस टेन बी, वन माइनस टेन ए टेन बी, टेन अल्फा 2 अभी अभी हमने कहा कि एम1 है, टेन अल्फा 1 हमने कहा कि ये एम1 है और टेन अल्फा 2 हमने कहा कि ये एम2 है, तो एम2 माइनस एम1, ये टेन अल्फा 2 हमारा एम2 है, टेन अल्फा 1 हमारा एम1 है, और यहाँ पर टेन अल्फा 1 की जगह एम1 और टेन अल्फा 2 की जगह एम2, तो एम2 माइनस एम1 बाय 1 प्लस एम1, ये नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। तो आप ये समझे कैसे आया, क्योंकि हमने अभी अभी एक मान्यता ली या सोचा कि ऐसा होता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी भी लाइन में, इसको मैं दोबारा समझाऊंगी वाली लाइन को, इसको इस तरीके से बनाइए, कोई भी लाइन अगर आप दीजिए, ये एंगल प्लस ये एंगल ये 180 डिग्री होगा, ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री होगा, ये एंगल और ये एंगल मिला के 180 डिग्री होगा, ये इसमें कॉन्सेप्ट यही है बेसिकली, अगर आपको कोई प्रूफ करना पड़ता है ये कॉन्सेप्ट लगाना है। अब थीटा प्लस फाइव ये 180 डिग्री का, चलिए यहाँ पर जरा दोनों साइड जरा टेन ले लिया जाए, तो ये 180 माइनस थीटा होता है टेन, 180 माइनस थीटा माइनस टेन, यानी कि यहाँ पर माइनस आएगा, एम टू माइनस एम माइनस एम वन, वन प्लस एम एम वन एम टू, इसको एम वन यहाँ कर दीजिए, एम टू यहाँ कर दीजिए, माइनस एन एम से हट जाएगा, तो दो केसेस आपके हो जाते हैं, एम टू माइनस एम वन, वन प्लस एम वन एम टू, ये या तो पॉजिटिव आ सकता है या ये नेगेटिव आ सकता है, अगर ये पॉजिटिव आता है तो टेन थीटा पॉजिटिव होगा, टेन फाइव आपका नेगेटिव होगा, इसका मतलब थीटा आपका एक्यूट हो गया, फाइव आपका अक्यूज हो गया, ये थीटा और फाइव की आप जो बात कर रहे हैं, एक आपका 90 डिग्री से कम रहेगा, एक 90 डिग्री से ऊंचा रहेगा, ऊपर रहेगा। इसी तरीके से केस टू एक बनेगा कि अगर बाई चांस ये माइनस है, इसका मतलब ये है कि टेन थीटा नेगेटिव है, इसका मतलब टेन फाइव पॉजिटिव है, सीधी सी बात है कि थीटा ऑब्ट्यूज है और फाइव आपका एक्यूट है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो एक्यूट एंगल है, मान लीजिए थीटा ले लीजिए, और जो लाइन्स है L1 L2 जिनकी स्लोप M1 M2 हम ले रहे हैं, तो टेन थीटा आपको पास आएगा M2 माइनस M1 बाय 1 प्लस M1 M2, ये जीरो नहीं होना चाहिए आपको। और अगर ऑब्ट्यूज एंगल मान लीजिए फाइव है, और उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, सीधा फाइव को 180 माइनस थीटा, ये सारा इसी डायग्राम से आ रहा है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, फाइव हम कह रहे हैं 180 माइनस थीटा, तो इस तरीके से आता है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, अगर एंगल दो लाइन के बीच में पाई बाय फोर है, पाई बाय फोर मतलब क्या होता है, 180 बाय फोर इस तरीके से समझिए, यानी कि 45 डिग्री, स्लोप एक लाइन का हाफ है, आपको दूसरी लाइन की स्लोप निकालनी है, टेन थीटा आपके पास एम टू माइनस एम वन बाय वन प्लस एम वन एम टू होता है, एम वन आपके पास सीधा यहाँ पर दिया हुआ है कि टेन निकालिए 45 डिग्री का, और इस तरीके से एम वन आपके पास अवेलेबल है
एक हाफ और दूसरा एम टू, ये हमें पता नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इस टेन थीटा को निकालने की कोशिश करेंगे, और क्योंकि हमें एंगल इसके बीच में एक ये मिल चुका है, दूसरा हमें एंगल पता नहीं है, तो यहां पर रखिए और यहां पर 10 बाय 4 पाई बाय 4 जो मैं अभी कह रहा था, क्योंकि 10 पाई बाय 4 हमारा 1 होता है, ये हमें पता नहीं है, ये हाफ है। इसको सॉल्व करिए, आपका जब m को सॉल्व करेंगे तो विल गेट m इक्वल टू 3, m इक्वल टू माइनस 3, दो चीज आ रही है। अब ये 3 और माइनस 1 माइनस 3 दो चीजें देख रहे हैं आप। अब आप बोलेंगे ये 3 और माइनस 1 बाय 3 क्यों आ रहा है, दो आंसर क्यों आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहां पर आपके पास मॉड है, आपने ये मॉड लिया हुआ है ना, तो मॉड में पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है। अब कारण ये है इसका, अब अगर ये L1 ये है और आपके पास L2 ये है, देखिए माइनस 1 बाय 3 कब आ रहा है, जब ये एंगल बन रहा है, अब पॉजिटिव कब आ रहा है, जब आपका ये एंगल बन रहा है, इस एंगल, इन दो अलग अलग एंगल के कारण जो आपकी एक में स्लोप 3 आती है, एक में स्लोप माइनस 1 बाय 3 आती है। एक अब एग्जाम्पल 3 है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक लाइन है इन दोनों के थ्रू, ये परपेंडिकुलर है इनके थ्रू, आपको x निकालना है, तो सीधा इस लाइन को लीजिए और y2 minus y1 by x2 minus x1 से m1 निकाल दीजिए। अब इन पॉइंट को लीजिए, m2 निकालिए, y2 minus y1 by x2 minus x1, ये दोनों आ गए 1 by 3 और 12 by x minus 8। आप जानते हैं m1 और m2 को मल्टीप्लीकेशन माइनस 1 होना चाहिए यदि ये परपेंडिकुलर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, माइनस 1 से बराबर करिए, x आपका 4 है, ऐसे निकलता है। तो ये हमने पहला पार्ट देखा स्ट्रेट लाइंस का। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी।